दोस्तों व्हाट्सएप पर आ गया है बहुत ही तगड़ा अपडेट। जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक को मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो, वैसे ही अब आप व्हाट्सएप को मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो। जैसे अदर फोन में यूज करना चाहते हो आप चाहते हो इस वाले फोन में भी व्हाट्सएप चले और दूसरे फोन में भी व्हाट्सएप चले, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। पहले क्या होता था, पहले एक लिंक डिवाइस का ऑप्शन आता था, वो अभी भी आता है। उस लिंक डिवाइस में जाके हम वेब व्हाट्सएप हम डाउनलोड करते थे या फिर हम केवल कंप्यूटर के अंदर ही उसे लॉगिन कर पाते थे। और उससे क्या होता था, जैसे मान लो आपने अपना नेट बंद कर दिया तो वो वहां से भी नेट बंद हो जाता था, वहां से भी मैसेज नहीं जाते थे। बट अब जो अपडेट आया कंपेनियन मोड का व्हाट्सएप पर, बहुत ही तगड़ा अपडेट है ये। इससे क्या होगा, अगर मान लो वो नेट भी बंद कर दोगे, अगर आपका दूसरा फोन स्विच ऑफ भी हो जाएगा ना, तब भी आप व्हाट्सएप चला पाओगे, मैसेज जाएंगे उस बंदे के पास। तो कैसे होगा ये, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो देखनी है बिना स्किप किए। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। जिस भी दूसरे डिवाइस में आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये उस फ़ोन में करना है। तो देखिए, उस फ़ोन में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप व्हाट्सएप डाउनलोड करोगे। फिर उसके बाद आपको इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे ना, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक का डिवाइस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपको इस लिंक का डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक का डिवाइस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर उसके बाद अब आपको करना क्या होगा, आपको जो है उस दूसरे फ़ोन में आ जाना है। फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको लिंक आ डिवाइस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है यूज़ मोबाइल डाटा जो भी आया है आपके में। फिर उसके बाद आपको इस ओके पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको स्कैन कर लेना जो भी बार कोड आया होगा। तो देखिए, मेरे में बार कोड ये वाला आया, ये आया नहीं है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अपडेट जो है केवल बेटा वर्जन को मिला है, ये हर किसी को नहीं मिला है अभी। ये आपको भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा, हफ्ते में या डेढ़ हफ्ते में बहुत जल्द मिल जाएगा। कैसा लगा आपको न्यू अपडेट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी टाइप्स की वीडियोस लाता रहता हूँ।